आप देख सकते हैं बप्पा के लिए मैंने एक छोटा सा पंडाल बनाया। बहुत जल्द बप्पा यहाँ पर विराजमान होंगे। आज सवेरे बप्पा के पंडाल की सजावट के दौरान मैंने राजश्री को कॉल किया। बप्पा चाहते थे कि मैं राजश्री को कॉल करूं। आमतौर पर मैं अपने दोस्तों को, चाहने वालों को घर पर बुलाती हूं बप्पा के दर्शन के लिए। आज बप्पा ने चाहा कि मैं उन लोगों को भी कॉल करके घर पर बुलाऊं बप्पा के दर्शन के लिए, जिनके साथ मेरे रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई। तो मैंने तुरंत बगैर सोचे समझे कॉल किया राजश्री को, और कॉल करके सबसे पहले ये कहा कि उनके और मेरे बीच में जो कड़वाहट पैदा हुई है उसके लिए मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी। ये मेरे एग्जैक्ट शब्द थे। मैं आज आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उन्होंने अपना कर्मा खुद खराब किया, उसका अंजाम वो भुगतेंगे, इसी जन्म में भुगतेंगे। मेरे पास प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग के लिए फालतू टाइम नहीं है। बहुत 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 आगे बढ़ना है जिंदगी में, बेहतरीन काम करना है, बेहतरीन रिश्ते बनाने हैं, शादी करनी है, किससे करनी है वो नहीं पता, किसी ना किसी से करूंगी जरूर, रब का बंदा हो वो। आपको बता दूं कि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था। कुकी रबेन के HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर शरद सेठ, उन्होंने मेरा इलाज किया। जब उनके पास गई थी उन्होंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है। लड़ झगड़ कर अपनी किस्मत से मैंने पुनर्जन्म लिया, किडनी फेलियर को रिवर्स कर डाला। इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा किया होगा। और जब जब मैं ये किस्सा सुनाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि रियली, बट किडनी फेलियर को तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मैंने किया। तो जो लड़की पॉजिटिव एनर्जी से किडनी फेलियर को रिवर्स कर सकती है, वो बंदी कहीं ना कहीं कुदरत की अच्छाई में विश्वास करती होगी, कहीं ना कहीं रब पर विश्वास करती होगी। ये जो जिंदगी मुझे दोबारा मिली है, ये इसलिए नहीं मिली कि मैं लोगों के साथ खिटपिट करूं या उन पर आरोप लगाऊं या ऐसी कोई बात कहूं जो उनके घर वालों को ठेस पहुंचाए या उनके घर वालों के जज्बातों को आहत करे। मैंने अपने कुछ दोस्तों से ये बात शेयर करी। मैंने कहा कि देखो, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने राजश्री को कॉल किया, उसने ऐसा बोला, तो क्या मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था? क्योंकि राजश्री घड़ी घड़ी बोल रही थी कि मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। और क्या सच में मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था?
उन लोगों ने कहा, देखो बप्पा ने चाहा कि तुम कॉल करो, तुमने कॉल किया, तो इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये सोचती हूं कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने दिलों में नफरत की आग को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखें? नहीं ना। और क्यों, यानी कैसे हम जी सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को अपने सीने में दफना के? आज आप सबके सामने ये कह रही हूं और हमेशा कहूंगी कि बप्पा के दर्शन के लिए मेरे घर पर हर कोई आमंत्रित है। आप बेशक आ सकते हैं, बप्पा के दर्शन कर सकते हैं जब बप्पा यहां पर विराजमान होंगे। आप चाहे आदिल हो, चाहे राजश्री हो, चाहे राजकुंद्रा हो, चाहे साजिद खान हो, बप्पा की नजर में हम सब एक हैं। अल्लाह ताला की नजर में हम सब एक हैं। कौन से भगवान ये कहते हैं कि हमें अपने सीने में नफरत की आग को जिंदा रखना है ता उम्र, जिंदगी भर के लिए? कौन से भगवान ऐसा कहते हैं? कोई नहीं। ना अल्लाह ताला ऐसा कहते हैं, ना गणेश जी ऐसा कहते हैं, ना यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? वो लोग जो नफरत का कारोबार करते हैं, वो लोग जिन्हें नफरत के कारोबार से मुनाफा होता है, फायदा होता है। नफरत को बढ़ावा दिया जाता है हमारे समाज में। जब हम गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं, जब हम नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, क्यों हम पर शक किया जाता है? क्यों हमारे किरदार पर उंगली उठाई जाती है? ओह माय गॉड, शर्लिन चोपड़ा ने राजश्री को बप्पा के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। जरूर दाल में कुछ काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है? नहीं, ना दाल में कुछ काला है, ना दाल काली है। शर्लिन चोपड़ा के दिल में नफरत पालने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या ईश्वर की अर्चना हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही करना चाहिए? क्या ईश्वर की अर्चना हम उन लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई हो? और अगर कड़वाहट पैदा हुई है तो इस कड़वाहट को खत्म भी तो किया जा सकता है।